नमस्कार साथियों, हिंदी की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज फिर हम एक वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और जैसा कि क्रम चल रहा है, कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक और अध्याय लेकर के हम आपके सामने हैं। आज जो अध्याय लेकर के हम आए हैं, उस अध्याय का शीर्षक कहिए, अध्याय का एक हिस्सा है, वो है टेलीविजन समाचारों के चरण। टेलीविजन के जो समाचार होते हैं उनको विभिन्न चरणों में दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि वो चरण क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, तकनीकी रूप से एक एंकर उन चरणों को किस तरह से प्रस्तुत करता है। साथियों, सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, रेडियो, अखबार और टेलीविजन, दूरदर्शन, इन तीनों में एक बात कॉमन होती है कि किसी भी समाचार को जल्दी से जल्दी अपने पाठक या अपने दर्शक तक पहुंचाना, उसी चीज के लिए ये सब के सब प्रयासरत रहते हैं। और जैसा कि हम बता रहे हैं, दूरदर्शन समाचार के चरण, उनमें सबसे पहला जो चरण है वो है ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, हालांकि आपकी पुस्तक में ये चीज दी हुई है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। आप देखिए कि कहीं भी कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री जी ने कहीं कुछ कहा, किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कुछ कहा, तो आपके टेलीविजन सेट पर तुरंत एक पंक्ति आने लगती है। दुर्घटना यदि कहीं हुई है तो एक बस खाई में गिरी, इतने मरे, इस तरह से खबरें आपके टेलीविजन सेट पर फ्लैश होती हैं। उनके नीचे बहुत बार ब्रेकिंग न्यूज भी लिखा हुआ होता है। तो इस तरह की खबरें तुरंत घटना की सूचना देने के बारे में फ्लैश की जाती हैं, ये दिखाई जाती हैं। तो समाचार का पहला चरण होता है ब्रेकिंग न्यूज। दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर। कहीं कोई बात हुई है, कोई घटना दुर्घटना कोई घटी है, तो ड्राई एंकर में क्या होता है, उस खबर को लेकर के अभी पूरी सूचनाएं, पुष्ट सूचनाएं एंकर के पास नहीं है, और जब तक उसके पास कोई पुष्ट सूचना नहीं आ जाती है तब तक एंकर उन्हीं सूचनाओं को आपको बताता रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हुआ, उसका वो गिर पड़ा, दुर्घटना हुई, तो न्यूज स्टूडियो में केवल एक खबर पहुंची कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो ड्राई एंकर में एंकर जो है, ना तो उसके पास कहीं कोई पुष्ट सूचनाएं हैं, ना दृश्य है, ना किसी का कोई कथन है, तो वो दर्शकों तक केवल ये बात पहुंचाता है कि अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे फलाने राज्य में, उस राज्य का नाम ले सकता है जहां की वो घटना बताई जा रही है, कि अभी अभी वहां पता लगा है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ऐसा माना जा रहा है कि उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई है या इतने लोग उसमें सवार थे। ये चीज ड्राई एंकर है। ड्राई एंकर ये तब तक होती है जब तक एंकर के पास किसी तरह के कोई दृश्य नहीं आते, उसके पास कोई पुष्ट सूचनाएं नहीं आती, ये दूसरा चरण है ड्राई एंकर। तीसरा चरण है फोन इन। अब ड्राई एंकर वो तब तक है जब तक कोई सूचना नहीं आई, अब एंकर के पास उसके संवाददाता का फोन आ गया। हर एक न्यूज चैनल का संवाददाता, रिपोर्टर, वो तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर भागते हैं और वहां से कोशिश करते हैं कि अपने चैनल को वो तुरंत सूचना दें। और ऐसी स्थिति में बहुत बार एंकर क्या करते हैं, अपने दर्शकों, आइए हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं और हाँ राजीव आप बताइए, क्या आप वहां मौजूद हैं, हाँ बताइए क्या हुआ था, और इस तरह से वो अपने संवाददाता से टेलीफोनिक वार्ता अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस चरण को फोन इन कहा जाता है। फोन पर घटना दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना, इसको फोन इन कहा जाता है। चौथा है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल कौन सा चरण है,
एंकर विजुअल वो चरण है जब एंकर के पास दृश्य आने लगते हैं उस घटना या दुर्घटना से संबंधित, जब घटना स्थल पर उसके रिपोर्टर छायाकार अपना कैमरा लेकर के पहुंच जाते हैं और उस कैमरे से वीडियो बना करके अपने चैनल को भेजते हैं और चैनल उन्हें फिर दर्शकों तक भेजता है। अब प्राप्त हुए चित्रों के आधार पर एक नए सिरे से घटना के बारे में बताया जाता है। इस चरण को एंकर विजुअल कहा जाता है। विजुअल से तात्पर्य दृश्यों से है। पांचवा चरण है एंकर बाइट। ये किसी भी दूरदर्शन समाचार का एक महत्वपूर्ण चरण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपकी खबर को विश्वसनीय बनाता है। एंकर बाइट, बाइट का मतलब होता कथन, जैसे विजुअल का मतलब दृश्य हुआ, ऐसे ही बाइट का मतलब होता है कथन। इसमें एंकर क्या करता है, रिपोर्टर क्या करता है कि घटना स्थल के आसपास जो लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, कोई पुलिस ऑफिशियल मौजूद है, कोई नेता मौजूद है, तो उनसे जो रिपोर्टर है वो तुरंत एक छोटा सा बाइट लेता है, उनसे एक कथन कहलवाता है कि बताइए इस दुर्घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे पास ही दुर्घटना स्थल के पास कोई ढाबा है, रिपोर्टर वहां पहुंचता है, वहां मौजूद लोगों से पूछता है भाई आप उस समय वहां मौजूद थे क्या। अब उनमें से कोई बाइट देता है तो वो बाइट उस घटना को विश्वसनीय बनाती है। बाइट इसलिए टेलीविजन चरण, समाचारों के चरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठवां चरण है लाइव। लाइव आप समझ सकते हैं कि घटना स्थल से सीधा प्रसारण, घटना स्थल से दर्शकों तक सीधा प्रसारण करना, ये लाइव कहलाता है। आमतौर पे कहीं खेल हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, हॉकी हो रहा है, आपने देखा होगा जिस समय वो खेल शुरू होते हैं उसी समय वो आपके चैनल पे भी, किसी न्यूज चैनल पे या किसी टेलीविजन के किसी चैनल पे भी वो उसी समय दिखाए जाते हैं और उन पे कई कोने में लाइव भी लिखा रहता है, घटना स्थल से किसी घटना का, किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। और सातवां इसका चरण है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में ये सारी चीजें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं। जब एंकर पैकेज तैयार होता है तो उसमें फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज भी होती है, ड्राई एंकर भी होता है, फोन इन भी होता है, एंकर विजुअल भी होता है, एंकर बाइट भी होता है, लाइव भी, वो सारी चीजों का एक मिश्रण जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है एक संपूर्णता के साथ किसी घटना दुर्घटना के बारे में जब आपको दिखाया जाता है तो उस चीज को कहते हैं एंकर पैकेज। तो साथियों, दूरदर्शन पर किस तरह से समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, ये उन समाचारों के चरण थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने सुझावों से निसंदेह मुझे अवगत कराएं। कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं आपकी चीज समझ में कोई बात नहीं आ पाई है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र आपके उस प्रश्न का जवाब दिया जा सके। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप निसंदेह सुझाव भी दें ताकि इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सके। कक्षा 12वीं के छात्रों को ध्यान में रखते हुए हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्यायों पर एक एक करके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्दी ही एक अन्य वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।